तो लोकसभा चुनाव 2024 का फर्स्ट फेज शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को होने वाला है। तो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। वही 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, वही डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, वही अन्य को 23 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 8% है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने 1718 उम्मीदवारों के हलफनामों में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार की। इनमें से 16% यानी 252 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वही 450 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। 10 ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 300 से 500 रुपए की संपत्ति है। वही 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा। इन सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इसी बीच चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज यानी 18 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों के 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। वही चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 और जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होगा।